में गठबंधन में नहीं है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में नहीं है। तो जनता पे 1.5 लाख से ऊपर माना होगा लगभग, क्योंकि भाजपा ने तो बताया था लगभग 1.5 लाख जनता उनकी। भाजपा के बताने पे मत जाइए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे जाइए। आपको क्या लगता है आपने देखा है? तो हमने 1.5 लाख के समथिंग सवाल आते हैं रात के आपने खाली कुर्सियां भी दिखाई। जब ये कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी उन सभी दलों से 21 रहेगी उनसे अच्छी तो वो अच्छी रहे, प्रधानमंत्री जी से अच्छी तो प्रियंका गांधी की रही, एमएलसी जी उनसे 22 रही, 21 नहीं 22 रही। आते हैं अमेरिका की एयरपोर्ट की फोटो छापते हैं चाइना की, इनका अपना क्या अपना तो कुछ है। गाजीपुर से जहां पॉइंट ख़त्म हो रहा था पखनपुरा पे, वहां से हम लोग समाजवादी विजय रथ लेकर के और आजमगढ़ में लगभग 110 किलोमीटर पहले ही हम लोग समाप्त करने वाले थे, लेकिन सरकार ने इजाज़त नहीं दी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने विजय रथ यात्रा का पांचवा चरण बांदा से शुरू कर रहे हैं, बांदा से होते हुए महोबा, महोबा में रात विश्राम, फिर ललितपुर में कार्यक्रम, फिर झांसी, और झांसी ख़त्म करके इस चरण का, ये बुंदेलखंड का पांचवा चरण ख़त्म करेंगे। जहां तक सवाल भीड़ का है, हम लोग जितनी भी अनुमान लगाते हैं उसकी कई गुना ज़्यादा भीड़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने और सुनने आ रही है। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक का सफ़र जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चौथे चरण में तय किया है, वो 12 बजे गाजीपुर से चले और आखिरी सभा सुबह 4:30 बजे लखनऊ में की। न कोई हटा न कोई गया, उससे यह साबित होता है कि जो भी हम आप मिलकर के उम्मीद कर रहे होंगे उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने और देखने आएगी। सुनील जी, जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर रैली हुई, उसके बाद कांग्रेस लोगों को इकट्ठा कर पाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी केवल 2 विधानसभा के लोग ही आ रहे हैं, केवल एक जिला महोबा, क्योंकि बांदा में पहले ही कार्यक्रम हो रहा है, महोबा के बाद ललितपुर में कार्यक्रम है, झांसी में कार्यक्रम है, तो हमारी जो भीड़ होगी वो जबरदस्ती वाली भीड़ नहीं होगी, जबरदस्त भीड़ होगी।